Nift Patna Craft. I'm in first year and I'm from fashion communication department. हाँ, ये fashion के जितने भी products हैं ना, वो मेरे and products सब मेरे team के पास से आते हैं. Basically fashion मैंने यहीं से सीखा और उसके बाद मैंने खुद का अपना small business set up करना था. ये दिखने पे
बिहार पटना का आर्ट है, मिथिला पेंटिंग अलग है, ये अलग है, ये पटना सिटी का आर्ट है एक्चुअली। हाँ ये टोटल हैंडमेड है, ये आपका पड़ेगा ये कॉस्टल है 500। देखिए अभी क्या अभी इस पेंटिंग को जानने लगे हैं, सीखने भी लगे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इससे जुड़ करके इससे काम कर रहे हैं, और आज के युग इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और मेहरिंग आप कहाँ गए हैं नित पढ़ी? मैंने पटना की हूँ। आप क्या बनाई हैं? लाह कचूरी है सर, बिहार मधुबनी से है हम लोग, लाह कचूरी बनाते हैं जैसे कि छठ पूजा होते हैं, यही कौन के हाथ उठता है, दुर्गा पूजा होता है, तो आपको कैसा लग रहा है? माता रानी को पूछ पढ़ते हैं शादी। आपको कैसा लग रहा है आगे पर? यहाँ बहुत जगह लगाते हैं सर, हमारा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। आपका कौन सा ईयर में है? डिपार्टमेंट एस एस सरी डिज़ाइन डिपार्टमेंट से है, सेकेंड ईयर। प्रोग्राम के बारे में कुछ बोलिए। प्रोग्राम के बारे में, ये प्रोग्राम ना मेनली आर्टिसंस के लिए होता है, और स्टूडेंट्स भी इससे अपना क्राफ्ट को शोकेस करते हैं, यहाँ पे बाहर से गेस्ट आते हैं जो क्राफ्ट को प्रमोट करते हैं एंड एक नई जगह पहुँचाते हैं क्राफ्ट को, जो कि क्राफ्ट आजकल सबके हैं ना, उसको ऊपर उठाने की जिम्मेदारी है टाइम शिफ्ट ने ले रखी है। ये प्रोडक्ट के बारे में बताइए। प्रोडक्ट ये सारे आइसक्रीम स्टिक के बने हुए प्रोडक्ट थे, और ये काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, हैंडी होते हैं, हल्के होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। ये हैंग बैग है, ये सारे आपने बनाए हैं? ये सारे ये कितने की है? ये क्विलिंग पेपर क्विलिंग से बना। कितना प्राइस है? प्राइस दिस इज़ 200। ये सर की प्राइस वेरी कर रहे, जैसे ये 200 का है, ये 150 का है, अकॉर्डिंग टू द प्राइस साइज है, जैसे साइज है प्रोडक्ट का उस अकॉर्डिंग प्राइस है। थैंक यू। नाम बताइए। सिद्धि गुप्ता। कहाँ से आप? निफ्ट पटना। कौन सा ईयर डिपार्टमेंट? फर्स्ट ईयर से हूँ, एडी डिपार्टमेंट। तो कुछ बताइए प्रोग्राम के बारे में। एडी डिपार्टमेंट में बेसिकली वी लर्न अबाउट एक्सेसरीज, डिजाइनिंग ज्वेलरी, बेल्ट एंड बैग्स। तो यहाँ पे मेरी जो स्टॉल है उसमें मैंने बीड्स की ज्वेलरी बनाई है, वी हैव ब्रेसलेट्स, वी हैव फोन चार्म्स बेसिकली इस चीज़ को बोलते हैं जो फोन में हाथ में फंसाने के लिए लगाई जाती है, और ये नेकलेसेस है, ब्रेसलेट्स है, हुप्स है, ईयरिंग्स है, वी हैव डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल्स। एंड यहाँ पे हम लोग के पास है रेजिन आर्ट, जो हमारे ही बैच की लड़की ने बनाई है, जिसका नाम सामिया है, और यहाँ पे हमारे पास है स्कल्पचर्स। तो आपको कहाँ क्या आएंगे? ये डिज़ाइन का आइडिया तो मैं बचपन से देख रही हूँ, घर में सभी बनाते हैं, तो फिर मुझे इंटरेस्ट आया था जब मैंने ये वाली बीट्स देखी थी, तो फिर मैंने शुरू किया और फिर आज इतना सारा बढ़ गया है। तो क्या मैकिंग क्या है? मैसेज है कि आपको जो करने का मन कर रहा है, एक छोटी सी चीज़ ट्राई करने की मन कर रही है, आप ट्राई करिए, हो सकता है वो किसी दिन कुछ बड़ा बनता है। Baby, I love you.